दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ 7,500 रुपए से कम कीमत में मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और दूसरा मोटरोला का मोटो E7 पावर। दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस हम जान लेते हैं। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 2GB 32GB वेरिएंट आपको मिलेगा 7,200 रुपए में, वहीं पर मोटो E7 पावर 2GB 32GB वेरिएंट 300 रुपए ऊपर यानी कि 7,500 रुपए में आपको मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन कुछ इस तरह से बॉक्स में पैक होकर आते हैं। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को करते हैं ओपन। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर मिलने वाला सारा सामान निकाल के हमने बाहर रख दिया है, जिससे हमारी वीडियो लंबी ना हो। बाकी दोनों में आपको सिम इजेक्टर पिन और क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम चार्जर अडैप्टर पे नजर डालते हैं। तो ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के साथ मिलने वाला एक चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग देखें तो इसमें आपको 10 वोल्ट का चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और मोटो E7 पावर में भी आपको 10 वोल्ट का चार्जर मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग के साथ। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको एक व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है, वहीं पर मोटो E7 पावर में देखें तो इसमें ब्लैक कलर की आपको टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के साथ एक स्क्रैच कार्ड आपको अलग से दिया गया है, जिसे खुद लगाना होता है, और ये क्रिस्टल क्लियर हार्ड कवर आपको इसके साथ फोन की सेफ्टी के लिए दिया गया है। हालांकि ये कवर ज्यादा चलते नहीं है, किनारों से टूटने भी लग जाते हैं। वहीं मोटो E7 पावर में आपको कवर लगाने की जरूरत नहीं, कंपनी ने पहले से लगा के दे रखा है। ये देखिए इसके साथ आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर मिल जाता है। और ये है दोनों स्मार्टफोन, साइज का डिफरेंट हम देख सकते हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 साइज में काफी बड़ा है मोटो E7 पावर से। दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है और स्क्रैच गार्ड दोनों में आपको लगा हुआ नहीं मिलता है। और ये है दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल। दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ। सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है ग्लोसी फिनिश के साथ। लाइट रिफ्लेक्शन भी काफी कमाल का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे की साइड इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग काफी अच्छी लग रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। कैमरा डिपार्टमेंट पे नजर डाले तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और दूसरा AI लेंस कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैशलाइट। और मोटो E7 में आपको नॉर्मल बैक पैनल दिया गया है मैट फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल और यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिस पर मोटो की ब्रांडिंग की गई है। इसमें भी आपको डुअल कैमरा मिलते हैं और यहाँ पर आपको मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का और मोटो E7 पावर में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। मोटो E7 में आपको एक एक्स्ट्रा गूगल असिस्टेंट की दी गई है। ऊपर की साइड 3.5mm का ऑडियो जैक मोटो में मिलता है, वहीं लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। यहाँ पर एक डिफरेंट आपको मिलेगा, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं, जबकि मोटो E7 पावर में 1 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते। बॉटम में आपको प्राइमरी माइक चार्जिंग जैक दिया गया है। 3.5mm का ऑडियो जैक आपको इन्फिनिक्स में नीचे की साइड मिलता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के स्पीकर आपको नीचे की साइड नहीं मिलते हैं इन्फिनिक्स में, तो ऊपर आपको कॉलिंग स्पीकर के साथ अटैच्ड मिलता है और मोटो में बैक साइड यहां पर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑन किया हुआ है और यहां पर ब्राइटनेस फुल कर देते हैं ताकि हमें और अच्छे से डिस्प्ले देखने को मिले। तो करीब से आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर काफी बड़ा डिफरेंट आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन मोटो E7 पावर में आपको उतनी ब्राइट डिस्प्ले नहीं मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के ब्राइट निट्स की बात करें तो 440 निट्स की ब्राइटनेस आपको इन्फिनिक्स में मिलती है, मोटो में आपको 380 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं बात करें दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में आपको मिलती है 6.82 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20.5:9 का है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720
720x1640 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की आपको इसमें मिलती है। वहीं मोटो E7 पावर की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको इसमें मिलती है। और दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। वहीं चिपसेट भी बिल्कुल सेम दिया गया है, MediaTek Helio G25 का चिपसेट आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। दोनों स्मार्टफोन 12nm की टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। वहीं बात करें रैम की, तो दोनों में आपको मिलती है 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप Infinix में बढ़ा सकते हैं 256GB तक, जबकि 1TB तक बढ़ा सकते हैं आप Moto E7 पावर में। और ये है दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा के मामले में मुझे यहाँ पर Moto E7 पावर का सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा लगा, काफी कलरफुल मिल जाता है। हालांकि डिस्प्ले क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा आपको कैमरा इसका दिया गया है। वहीं Infinix में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसमें भी आपको ज्यादा ब्राइट कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कमेंट में आपको किसका कैमरा ज्यादा बेस्ट लग रहा है। और ये है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा। तो रियर कैमरा क्वालिटी आपको दोनों में ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पर ज्यादा ब्राइट और कलरफुल कैमरा आपको Infinix Smart 5 का मिलता है, जबकि दोनों में आपको 13MP के मेन कैमरा दिए गए हैं। यहाँ पर Moto E7 पावर में भी आपको अच्छा कैमरा दिया गया है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो कम मिलती है। यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं, Infinix Smart 5 से आप कर सकते हैं 4x तक जूम, वहीं Moto E7 पावर से जूम करें, अरे वाह 8 गुना जूम आप इससे कर सकते हैं। तो जूम क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे 7,500 रुपए के अंदर मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पसंद है तो आपको Infinix Smart 5 काफी पसंद आएगा, क्योंकि आपको इसमें 6000mAh की बैटरी भी मिल जाती है और काफी बड़ी डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है। अगर आप मूवी देखने का शौक रखते हैं तो मूवी देखने के लिए ये स्मार्टफोन काफी अच्छा लग रहा है। वहीं बात करें Moto E7 पावर की, तो इतनी खास डिस्प्ले क्लैरिटी मुझे इसकी नहीं लगी। 5000mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, प्रोसेसर भी आपको एक नॉर्मल सा दिया गया है। हालांकि दोनों ही मोबाइल में आपको G25 का प्रोसेसर मिलता है। अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं तो इन मोबाइल को मत परचेज कीजिए, इसके बदले आपको अगर सस्ता ही लेना है तो G35 के साथ कई अदर कंपनी के मोबाइल आते हैं उनको परचेज कीजिए। बाकी नॉर्मल यूज के लिए दोनों स्मार्टफोन काफी कमाल के हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।